हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग में आप सभी को गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सभी लोग हेल्दी और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और हम लोग नहा वहा के हो गए रेडी और मंदिर का पूजा भी कर लिए घर पर। सो गाइस, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये रहा हमारा सुंदर सा और प्यारा सा मंदिर। 15 दिन बाद मंदिर में पूजा हुआ, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। हम लोग महालक्ष्मी माता का आज दर्शन करने जा रहे हैं। सो गाइस, आप लोगों को भी मैं लेके चलती हूँ और चलते हैं अभी मंदिर। तो गाइस, यहाँ हम लोग कार में बैठ गए हैं और मंदिर के लिए निकल चले हैं। और पूरब, आरुष, उनके पापा, हम चार लोग जा रहे हैं मंदिर दर्शन करने के लिए। सो गाइस, मैं आप लोग को लेके चलती हूँ माता रानी का दर्शन कराने के लिए। तो गाइस, हम लोग मंदिर के पास पहुंच गए हैं और पूरब के पापा गाड़ी पार्किंग में लगाने गए हैं और हम लोग वहां पहुंच के देखते हैं। आज के दिन इतना सारा भीड़, इतना भीड़ है कि पूछो मत। मतलब हम लोग पहली बार इतना वहां महालक्ष्मी माता के यहां भीड़ देखे। हम लोगों को नहीं मालूम था कि फर्स्ट डे इतना सारी लंबी लाइन लगी रहेगी। हम लोग मतलब लाइन में लगे लगे करीब हम लोगों को हो गए थे 2 से 2.5 घंटे मंदिर में लाइन में खड़े रहे थे। और आरुष बहुत परेशान किया हम लोगों को। गाइस देखो मम्मी, ये लाइन में और मैं कहाँ आ गई थी। देखो गाइस, देखो हम लोग पूजा करके आ गए थे और अभी मैं मम्मी को देखा था। ये देखो मम्मी क्या कर रही है। तो गाइस, माँ लक्ष्मी माता का दर्शन हो गया था और दूसरी तरफ दुर्गा माता की मूर्ति का स्थापना हुई थी। जो माता लक्ष्मी जी का दर्शन हो गया और इधर सब लेडीज गरबा खेल रहे थे, जेंट्स और लेडीज सब लोग मिलके गरबा खेल रहे थे। उनका दर्शन फाइनली हो गया। 9:30 बजे से लाइन में लगे हुए बज गए हैं, 12:10 बाकी। फाइनली हम लोग दर्शन कर लिए। अभी भी मैं आप लोगों को भीड़ दिखाती हूँ, कितनी सारी भीड़। आज बहुत पब्लिक, मतलब लगता है ऐसा कि पूरा पब्लिक वापी के इधर ही आ गए हैं दर्शन करने। आरुष पूरा बहुत परेशान किए दोनों, हम सबों को भूख भी लग गई है, 12 बज गए हैं इसके लिए। और ये देखिए कमल का फूल है जो पिंक कलर और वाइट में है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। तो गाइस, यहाँ हम लोग कार में बैठ के वापस घर की तरफ चल दिए हैं और 1:30 बज गए हैं लगभग, अब हम लोग घर पर जाएंगे। दोपहर 3 बजे से आरुष सोया, अभी 6:30 बजे शाम के उठा और तुरंत मम्मी मैगी बना के दो, मैगी खा रहा है। आरुष कभी खाना खाओगे? अभी मैगी खा रहे हो तो इतना लेट सो के उठे, तुम दोपहर का सोए थे, रात हो गई है। आरुष एकदम मैगी लवर है, मैगी बहुत पसंद है आरुष को। आरुष आरुष कैसा है? अच्छा है, खा लो। तो आरुष आप लोगों को मिलता है मैगी खाने के बाद में, फिर पढ़ाई भी करनी है। हाँ ठीक है, स्कूल का होमवर्क भी करना है। गाइस, आज हम लोगों को हो गई है बहुत सारी थकान, क्योंकि दर्शन करने में बहुत टाइम लगा और खड़े खड़े हम लोग थक भी गए थे और सुबह जल्दी निकल गए थे तो घर का थोड़ा काम भी पड़ा था। सो काम करके मैं बहुत थक गई हूँ, तो आज मैं गरबा खेलने नहीं जाऊँगी। सो गाइस, मैं आप लोगों को, कल दूसरा दिन है तो मैं आप लोगों को ज़रूर लेके चलूँगी और अपनी सोसाइटी का डेकोरेशन भी दिखाऊँगी। और
दिखाऊंगी सब लोग गरबा कैसे खेल रहे हैं, सोसाइटी में कैसे सब लोग गरबा खेलते हैं। और आरुष पूरब भी हम मेरे साथ जाएंगे, क्योंकि आरुष के पापा तो नहीं जाएंगे लेकिन आरुष पूरब ज़रूर जाएंगे। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।